परमेश्वर ये सुबह उठे ये अपनी रिपोर्टें नॉर्मल देखने पाए यीशु के नाम में। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बिहार से, पंजाब से और इसी समय राजस्थान से, हरियाणा से पवित्र आत्मा जी, समय पुणे से परमेश्वर, मुंबई से पवित्र आत्मा, झारखंड से, हैदराबाद से, आंध्रा से, गोवा से, कर्नाटक से, केरला से परमेश्वर, तमिलनाडु से, असम से, नेपाल से, पाकिस्तान से, क्या मेरे पिता इंडिया से, इसी समय दुबई से, मॉरिशियस से पवित्र आत्मा, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, पूरे यूरोप से पवित्र आत्मा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड से परमेश्वर, मैं इन सबको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। हर एक ब्रांच को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। इनका बोया हुआ बीज इस साल में इनके लिए गवाही बनकर बोले यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जिन लोगों ने आज शोभा यात्रा में आने का फैसला लिया है 15 दिसंबर को जलंधर में और 20 तारीख को चंडीगढ़ में, पवित्र आत्मा जी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, खासकर मेरे प्रभु आज से परमेश्वर ये आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो मैंने दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, तेरे नाम से दे रहा हूँ पवित्र आत्मा जी। आज जो तूने मुझे कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कर के वो लोगों के ऊपर आशीष का झरना बहेगा यीशु मसीह के नाम में। उनकी बड़ी बड़ी दीवार जो समस्या की दीवार होगी वो टूट जाएगी, विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी, आप निराशा से बाहर आएंगे, जिनका पैसा फंसा होगा वो बाहर आएगा। क्योंकि इज़राइल के लोग जब परमेश्वर के ठहराए स्थान पर साल में 3 बार जाते थे तो आशीष आती थी, और जो नहीं जाते थे तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे घर पर, तुम्हारे देश में आशीष की वर्षा नहीं होगी। इसलिए आदेश है कि जब आप शोभा यात्रा पर आ रहे हैं 15 तारीख जलंधर, तो पवित्र आत्मा क्रिसमस के दिनों में आप आ रहे हैं यहाँ पर, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री के ऊपर आशीष अबालाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा ने कहा जिनको बच्चे नहीं होते मैं उनको शोभा यात्रा पर आशीष देना शुरू करूंगा यीशु मसीह के नाम में। अबालाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा, गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे आप यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों के आंसुओं को पूछने के लिए जा रहा है, जो कोर्ट केस में कई साल से उलझे में, जमीनी झगड़े में, कोई इसी समय कोई सौदे में, कोई प्रॉपर्टी में फायदा नहीं हो रहा, परमेश्वर ने कहा ये साल आपका गुड न्यूज का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। फैसला आपको लेना है, बोलो हालेलुया। सुन रहे हो, हमने यहाँ पर मीटिंग रखी है, वो डेट अनाउंस करूंगा, मैं भी आ रहा हूँ 5 मिनट में। उनके लिए मेंबर्स के लिए जो हमारे पार्टनर है, 29 तारीख चंडीगढ़ में मीटिंग है हमारे डायमंड और प्लेटिनियम पार्टनर की, हालेलुया। और यहाँ पर भी मीटिंग के लिए मैं अभी बताऊंगा, फटाफट इसी समय अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो। बहुत सारी गवाही हैं अभी फिर खड़े हैं, बेटे की लाइन लगी हुई है, किसी को कुछ प्रॉब्लम था, किसी को कुछ गिल्टियाँ, सोलियाँ, घुटने का दर्द, स्किन एलर्जी, प्रेयर टावर में फ़ोन कराया, स्किन एलर्जी से परेशान थे, सोंप लगाया, स्किन एलर्जी गई, काफ़ी समय हाथों में प्रॉब्लम, परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया, घुटने ऑयल लगाने से चंगे हो गए, घर की आशीष आई। अपने हाथों को उठाऊँ, पवित्र आत्मा इन गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करते हैं यीशु के नाम में। और इसी समय जो बीज बो रहे हैं इस समय, वो अपने बीज आज अपने हाथ में उठाकर कहूँ, परमेश्वर ये बीज तेरी महिमा के लिए, पवित्र आत्मा में इन बीज बोने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव में स्क्रीन पर देख रहे हैं, परमेश्वर अकाउंट नंबर में बो रहे हैं पवित्र आत्मा जी, आज जो कोई बेस्ट बीज बो रहे हैं शोभा यात्रा के लिए पवित्र आत्मा जी, आज इन दिनों में मेरे पिता परमेश्वर जो बढ़ चढ़ कर बो रहे हैं उनके घर में पवित्र आत्मा जी आज से करोड़ों रुपए के बिजनेस खुलने पाए यीशु के नाम में, आशीष आने पाए, मिराकल कॉइन इनके घर पर, पंख इनके घर पर आने पाए, जाओ एंजल यीशु मसीह नासरी के नाम में, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटने पाए। बोलो आमीन। याद रखना मैं 21 दिन अपने डायमंड पार्टनर और प्लेटिनियम पार्टनर के लिए फास्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी मिनिस्ट्री को सपोर्ट दिया है, और जिनके कार्ड रिन्यू नहीं हुए वो कार्ड रिन्यू कराएं, जिन्होंने नए बनाए हैं वो सिर्फ कार्ड वाले, कोई वॉलंटियर नहीं आएगा, कोई मेंबर नहीं जिसके पास कार्ड नहीं है, कोई नहीं यहाँ पर सेवादार होगा, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ चंडीगढ़ की, सिर्फ उनके जिनके कार्ड होंगे वो मेरे साथ खाना खाएंगे और मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, 21 दिन फास्टिंग करूंगा, आप अपनी आशीष को खुलते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। यहां की डेट अनाउंस करेंगे अभी, पास्टर सपना दुआ करेगी, शाबाश। हां चलो चलो अपने स्थान पर बैठ जाओ, बाकी सब हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं जब आपके जाल में मछली आए, जैसा परमेश्वर के दास ने भी कहा जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
ये दिसंबर हमारे लिए बेस्ट बीज बोने का एक समय है। आप अपनी डायरी में लिख लेना कि आपने दिसंबर में जितना भी बोया है, जैसे ही आप 2024 में एंटर करोगे, चंडीगढ़ में स्पेशल मीटिंग होती है 31st की, कितने लोग आते हैं पंजाब से? जब चंडीगढ़ में मीटिंग रखी जाती है कितने लोग आते हैं? 31 दिसंबर को स्पेशल मीटिंग होती है और भविष्यवाणियां खुदा के दास के द्वारा होती हैं। मेरी बाइबल में जब से मैंने प्रॉफिट ब्रजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में आई और जो जो भविष्यवाणियां मेरे लिए निकली वो साल खत्म होने से पहले पूरी हो गई यीशु मसीह के नाम। तो जरूर आया करें इस समय, जितनों ने बीज अपने हाथों में उठाया। खुदा के कलाम में लिखा कि तेरे बोल तेरी तस्वीर है। आप चेहरे पे बेशक स्माइल रखें, अगर मन में खुदा से प्रेम या उसके लिए बीज ना उठाएं, बाहर कह दे हाँ जी मैंने उठा लिया, तो परमेश्वर कहता मैं जानता हूँ कितने दिल से आज बीज बोने के लिए रेडी है। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं बड़ा बीज बोने के लिए तैयार हूँ। जितनी हमारी ऑनलाइन ब्रांचेज हैं, आप भी एक बेस्ट बीज अपने हाथों में उठाएं। स्क्रीन पे आपको QR कोड दिखाया जा रहा है, साथ ही साथ बैंक डिटेल दी जा रही है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना हाथ स्वर्ग राज्य की ओर उठाएंगे और हम दुआ में जाएंगे। जो रह जाए आप वॉलंटियर को बुला सकते हैं या अपने स्थान पे खड़ा होकर आप हाथ हिला सकते हैं, वहीं वॉलंटियर आपके पास आएगा। कितने मीटिंग में आने के लिए तैयार है? बड़ा कम मौका मिलता है खुदा के दास के साथ खाना खाने का, वो आशीष का समय है। यूं चाहे जितना भी देखो, लेकिन जो खाना खाने का जो मौका खुदा दे उसको कभी खोना मत। हालेलुया। कंगाल विधवा ने क्या किया? अपना सब कुछ दे दिया कि नबी मेरे घर में आया है, नबी ने मुझसे मांगा है और मैं जरूर दूंगी। उसने दिल खोला और नबी ने क्या आशीष दी कि जा, तेरे घड़े का मैदा और तेरी कुप्पी का तेल को भी खत्म ना हो। जो तुम्हारे पास हो बिना किसी को बताए खुदा के राज्य के लिए इस बार बो के देखना। 2024 में आप शाइन मारने वाले हैं यीशु मसीह। आइए हम दुआ में जाएंगे। जीवित खुदा हम धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में। आपके जितने बेटे बेटियों ने मेरे परमेश्वर आज एक बेस्ट बीज आपके राज्य में बोया है, आपके कलाम के अनुसार खुदा पहला स्थान आपके नाम को आपके राज्य को दिया है। खुदा ये 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना ब्लेसिंग को खुलता देखे यीशु मसीह के नाम में। बंद पड़े काम आज बोने के द्वारा खुले मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने बोला आप महान और जलाली परमेश्वर है। आपने कहा जिस पे होगा उसे और दिया जाएगा, जिस पे नहीं होगा उसका वो भी ले लिया जाएगा। लेकिन खुदा यहाँ सब देने वाले हैं। मेरा विश्वास है खुदा जितने तोड़े आज आपके बच्चों ने आपके राज्य में बीज बोए हैं वो बढ़ाकर आप इन्हें वापस करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और आप अपने नबी के द्वारा मेरे परमेश्वर आज इतने लोग लॉसेस में है, जितने तंगी मुसीबत में है, जब आपके दास वचन की खुराक को देंगे ये बदलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते खुदा, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करें। कितने आज जोश से भरने के लिए रेडी हैं? अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों को, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में सुसमाचार बांटना शुरू कर दो, खुदा के कलाम को बांटना शुरू कर दो, 15 तारीख की तैयारी करना शुरू कर दो, सबको बताना शुरू करो। जितने शोभा यात्रा में आएंगे, जितने ऑनलाइन चर्च हमारी ब्रांचेज है, आपको अपनी ब्रांचेज में उस दिन नहीं रहना है, आपको जलंधर चर्च में पहुंचना है। जब मिलके सारी ब्रांचेस खुदा के इकलौते पुत्र की शोभा यात्रा को बढ़ाने के लिए निकलेगी, जब आप अपने चर्च में वापस जाएंगे वहां बड़ी बिदारी होने वाली है यीशु मसीह के नाम। कितने लोग खुश हैं आज? तो हाथों को उठाओ और मांगो आज खुदा से कि खुदा मेरे हाथों को बोने वाला बना, क्योंकि वो बोलता है, बोल तेरे तस्वीर ने तेरी समझ के बोली कहिंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा तुसियो मेरिया टाणिया। पड़ोसी को बोलो तेरे बोल तेरी तस्वीर है। यदि तू नबी के लिए दुआ करेगा तू बढ़ेगा, यदि तू प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में बोएगा तो तू बढ़ेगा, अगर तू शोभा यात्रा में आएगा अच्छे बोल बोलेगा घर जाकर खुदा तेरे जीवन में महिमा को दिखाने वाला है। इस दिन किसी के गर्व खुलेंगे, किसी को अमाउंट इतना बड़ा मिलने वाला है, खुदा बड़ी आशीषों को देने वाला है। कितने बोलने के लिए तैयार हैं आज कि खुदा ये मिनिस्ट्री मेरा घर है, मेरा गढ़ है, मैं यहाँ मांगूंगा, हिम्मत से मांगूंगा, क्योंकि नबी खुदा ने मुझे दिया यीशु मसीह के नाम। आमीन। छोटा है वो कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा तुसियो मेरिया टाणिया, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा तुसियो मेरिया।
समझ के बोली पानिया बोल तेरे तस्वीर ने तेरी समझ के बोली वो कहिंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा तुसियों मेरिया पानिया। क्यों खुदावन परमेश्वर आपको बोल रहे कि तुम मेरी टहनियां हो, क्योंकि यदि आम का पेड़ है, यदि सेब का पेड़ है, ये बजाते रहे साथ में, क्योंकि एक अंगूर की बेल ऐसी है। आप एक प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में खुदा के दास के साथ यहाँ खड़े हो, बेशक आप ऑनलाइन चर्च में क्यों ना हो, पूरे वर्ल्ड में क्यों ना हो, लेकिन हम खुदा के साथ कनेक्ट है यीशु मसीह के नाम में। पूरे यहाँ जितने ग्रेप्स बैठे हुए हैं अपने हाथों को उठाओ, जितने ऑनलाइन चर्च में है अपने हाथों को उठाओ। खुदा क्या बोल रहा है, मुंह से अच्छा बोलना शुरू करो, प्रार्थना करनी शुरू करो, खुदा के दास के लिए दुआ करनी शुरू करो, मिनिस्ट्री के लिए दुआ करनी शुरू करो। यदि तुम दूसरों के लिए मांगने लगोगे, खुदा तुम्हें देना शुरू कर देगा। साउंड की आवाज खोल दो ताकि अच्छी बीट आए। बंदिया खुदा कहता है तू तेरे कामों से पहचाना जाता है, और लिखा तेरे काम कैसे होने चाहिए जैसे यीशु मसीह के थे। कितने कामों को सुधारने के लिए तैयार है, बोलो खुदा मैं तैयार हूँ सेवा करने के लिए, मैं तैयार हूँ सुसमाचार बांटने के लिए, मैं तैयार हूँ बीज बोने के लिए, खुदा मैं तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। पुकारने के लिए तैयार हैं। देखो नबी जब चलता आएगा, नबी का चेहरा जितने लोग देखेंगे, जिसके आगे से नबी निकल जाएगा, छत्तीसगढ़ वाले झारखंड वाले जानते हैं वैल्यू क्या है। आप कितनी वैल्यू जानते हैं आज? आप सामने बैठे तो आपकी आशीष तो डबल होनी चाहिए, आपकी बरकतें डबल होनी चाहिए। तो जोरदार ताड़ियों से आज खुदा का धन्यवाद करेंगे, खुदा की महिमा करेंगे और पुकारे पुकार दा पुकार दा पुकार री बच्चा कलर बरबा पुकार दा पुकार ताड़ियों के साथ पुकार दा पुकार दा पुकार यहोवा पुकार दा पुकार दा पुकार ताड़ियों से पुकारे परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर अपने नबी के द्वारा आ रहे हैं। तालियों को बजाएंगे क्योंकि परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ गए। तालियों से स्वागत करेंगे परमेश्वर के दास का, परमेश्वर के नबी का, यीशु आ चुका है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के दास का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें दुगना प्रतिफल दे। आमीन। बैठ जाएं सब अपने स्थान पर, शाबाश।
नई नई गवाहियों के लिए आप स्वागत करें जोर से यीशु के नाम में। नई नई टेस्टिमनी बनेंगी आज। उन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीषें कब और कैसे आएंगी। हालेलुया। आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? इसी समय एक बार अपने हाथों को उठाऊं और ऊपर की ओर स्माइल दे दो आसमान के खुदा को आज। ना 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 ना, ऐसे नहीं देते स्माइल। इसका क्या मतलब है? ना, ऐसे नहीं। आज उसको बोलो कि परमेश्वर जो मैं मांग रहा था वो मुझे मिल गया। आमीन। जिस बात की मैं खोज कर रहा था मुझे मिल गया। आमीन। जो दर्शन में चाहता था वो मेरे पूरे हो गए। समझ रहे कि नहीं? तो आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आपको रिसीव करना है। देखो परमेश्वर क्या करता है आपके लाइफ में। तैयार हैं आप? हाँ, बिलीव करने, बिलीव करने। आइए हम सब प्रभु के कलाम में जाएंगे जल्दी से। अपने सिर पे हाथ रखें। शाबाश। ये आगे कराएं यार, थोड़ा आगे कराएं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरे वचन के भूखे और प्यासे आज परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता पवित्र आत्मा, इसी समय परमेश्वर तेरे नाम से इसी समय मैं इन सबको ब्लेस कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन इनके अंदर जाए परमेश्वर आज। पवित्र आत्मा जी, जो भी जिस हिस्से में ये कमजोर है, जिस क्षेत्र में ये कमजोर है, पवित्र आत्मा आज से ये मजबूती को पकड़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी जड़ें मजबूत होने पाए, इनके बिजनेस ग्रोथ करने पाए, इनके बच्चे आशीषित होने पाए, सेवकाई आशीषित होने पाए, हर चीज में बढ़ोतरी 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 के साइन इस साल में देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, विश्वास करना आज। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो के बोलो विश्वास कर, आज की आज का दिन तेरा है। बोलो टुडे इज माय डे। कौन बोलना चाहता है ये बात? टुडे इज माय डे। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो टुडे इज माय डे। यूपी की करी, पता नहीं कौन सा बोल रहा डे, कौन सा बुड्ढा। सारे बोलो जोर से टुडे इज माय डे। कौन सा बुड्ढा? कईयों को इंग्लिश समझ में नहीं आती होगी। नहीं ना, टुडे इज माय डे, आज का दिन मेरा दिन है। हालेलुया। आज मेरी बारी है। बोलो आज मेरी बारी है। आज मेरी भविष्यवाणी पूरी होगी। आज की बरकत, अपने पड़ोसी की तरफ देखकर बोलो तेरी नहीं मेरी है। अब उसको भी बोलो आज तेरी भी है। हालेलुया। जित एक दूसरे को देखकर स्माइल करो आप। क्या आप कर सकते हैं? मुझे लगता नहीं है आप कर नहीं रहे। हैदराबाद स्माइल करो एक दूसरे को देखकर। हालेलुया। समझो इसका एक रीजन है। रीजन है, जब आप एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, आपके अंदर पता कौन है? यीशु। आमेन। एक बार मैं किसी को स्माइल कर रहा था, मैं क्यों करूंगा स्माइल लेकिन किसी ने मुझे कहा आप उसको स्माइल क्यों कर रहे थे? मैंने कहा लड़का ही तो है मैंने कहा तुझे नहीं पता? मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे ना उसकी शर्ट पे ना लाइट नजर आ रही थी और मैं उसको स्माइल कर रहा था। आप समझ रहे हैं? तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं तुझे उसके अंदर से देख रहा था। समझ गए? मैं ये नहीं कह रहा हूं लड़की को स्माइल करते रहो। आपको सुनना है, आप यहां पर एक आत्मिक जन है। कौन है आप? एक आत्मिकता की कुश्ती लड़ने के लिए आए हैं यहां पर। आप हारने वाले नहीं है। आपको चर्च में क्यों बुलाया जाता है संडे? आपको कुश्ती लड़ना सिखाया जाता है। आप में से कोई पहलवान हो मेरे से लड़के देख लेना। है पादरी साहब क्या बोल रहे हो आप? मोटा मोटा आदमी भी मेरे सामने ले आओ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने कुश्ती लड़ी है 3 साल, अखाड़े में गया हूं, कबड्डी मुझे खेलनी आती है, मैं स्पोर्ट्स मैन हूं, फौज में था मैं, सुन रहे हो, दौड़ में सबसे आगे था, बेशक चाहे नकल मार के आगे निकल गया हूं, लेकिन बीम मारने में आगे था, कैसे भी था, लेकिन कुछ भी था,
मैंने मेरे अंदर एक जज्बा था, एक जज्बा क्या था, मुझे जीतने के लिए जीतना ही जीतना है, मुझे हारना है ही नहीं। आमीन। समझ में आई? आपको बाइबल जब समझ में आएगी जब आप उसे जीतने के लिए पढ़ेंगे, आप चर्च में आशीष जब लेकर जाएंगे जब आप यहां पर जीतने के लिए आएंगे, आप जब करें कि अपने अंदर ये बात रखेंगे कि मैं जीतूंगा। कुछ लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ लोग दुकान खोलते हैं, बोलते हैं कि नई मिठाई की दुकान बहुत है फिरोजपुर में, लेकिन मेरी एक दुकान बहुत है, फाजिलका में एक दुकान बहुत है, लेकिन कई लोगों का फैसला होता है कि नहीं मैं पूरी दुनिया में एक ब्रांड बनाऊंगा, सारी दुनिया में मेरी दुकानें होंगी। आपने बड़ा सोचना है, क्या करना है, बड़ा सोचना आज से, बोला हालेलुया, आज से सपने देखने हैं बड़े होने के। हा? मैं तेंदुलकर बन गया हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप अपने ख्वाब, अपना टैलेंट, आप सोचो कि आप कर सकते हैं, हालेलुया, कर सकते हैं कि नहीं। मैं आपको एक स्क्रीन पर एक फोटो दिखाता हूं, हाँ फोटो दिखा जरा, इंग्लिश मुझे आती नहीं, बाकी मुझे बताते रहना। हाँ, मैंने इंग्लिश में ये फोटो देखी, मुझे अच्छी लगी, मैंने खींच ली। हाँ लाली कब दिखाओगे अंकल? हाँ सुनो, देखो पहला सीढ़ी पर बैठा है और उसको वहां पहुंचना ऊपर, हो सकता है आप एक बिजनेसमैन हो और आपको वहां पहुंचना हो, आप एक सेवक हो आप वहां पहुंचना चाहते हो, आप ऐसे लोग जो लोग कुछ करके दिखाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए बात कर रहा हूं। कह रहे कि पहला बैठा हुआ कह रहा है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, पहला तो कह रहा है मैं करूंगा ही नहीं, कह रहा आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं जानता, मैं करूंगा ही नहीं, कह रहा है मैं करूंगा ही नहीं। उसने तो हिम्मत ही हार ली है, उसमें से वो लोग हैं जो पिछली कुर्सी पर बैठे हैं, मैं करूंगा ही नहीं, हर संडे आके पीछे बैठते हैं, जो उनसे मतलब कभी सोचते नहीं कि मेरा नंबर आगे भी आएगा। वो 12 बजे आते हैं चर्च से, घर से निकलते हैं, बोलते हैं 1 बजे पादरी ने आना है, हम पीछे आके बैठ जाएंगे, हाय हेलो करके चले जाएंगे। ये वो आदमी जो पहले बैठा है, कहता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा मैं अपनी लाइफ में, पहला आदमी है। फिर उसके बाद दूसरा, उसके दिमाग में विचार आता है कि नहीं मैं, ओ इतनी बड़ी सीढ़ी मैं नहीं कर सकता, वो बोलता है मैं नहीं कर सकता। फिर वो थोड़ा सा खड़ा होता है और फिर वो कहता है कि मैं चढ़ सकता हूं, मैं चढ़ सकता हूं। फिर हार जाता है, फिर कहता है कि यार ओहो मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर वो कहता है, मुड़ता है, फिर कहता है नहीं मैं कर सकता हूं और मैं कर चुका हूं, ओ मैं जीत गया हूं, हालेलुया हालेलुया। आप समझ गए सीढ़ी का मतलब? आपके लाइफ में कई बार ऐसी सीढ़ी आती हैं, ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, जब आप ऊपर चढ़ने लगते हैं तो आप कई बार निराश हो जाते हैं, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं ठीक नहीं हो सकता, नहीं चंगाई नहीं मिल सकती। लेकिन वो लास्ट सीढ़ी पर कौन चढ़ा? जिसने अपने अंदर ये टैलेंट पैदा कर लिया था, जिसने अपने अंदर ये टैलेंट पैदा कर लिया था, अपने जज्बे को करा तैयार कर लिया था कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं चढ़ सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं जो मैं नहीं कर रहा था अब तक, मैं कोशिश करूंगा और हो जाएगा, आज यीशु मसीह के नाम में मैं जीत कराऊंगा। वो करने वाले तैयार है कि नहीं? वो बनने के लिए तैयार है कि नहीं? बाइबल बोलती है कि वो बन ना सके इसलिए शैतान उनको रोकता है। शरीर की और आत्मा की लड़ाई है। क्या लड़ाई है? कि शरीर तो तैयार है लेकिन आत्मा तैयार नहीं है। इसका मतलब कि शरीर तैयार नहीं है, आत्मा तैयार है। शरीर कह रहा है कि नहीं अभी थोड़ी देर सो जा, लेकिन आत्मा कह रही है प्रार्थना कर ले। शरीर कह रहा है कि आज छुट्टी मार ले, बंक मार ले स्कूल से चर्च से, लेकिन आत्मा कह रही है नहीं नहीं, कह रहे आज जाना है चर्च में। हालेलुया। जितने आए हैं वो आज रात बड़ी सीढ़ी पर खड़े होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज पूरी दुनिया में लोग डरे हुए हैं, घूम रहे, डरे डरे घूम रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर डरे हुए हैं, कोई बीमारी से, कोई कर्जे से, कोई मेरी कार ना उठा कर ले जाए, कोई मेरी लोन ना ले जाए, कह रहे कि कोई मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा ना कर ले, कोई मेरे परिवार को कह रहे कि बुरा भला कह दिया, कोई कोर्ट कचहरी में हार ना जाऊं। कितने लोग डरे हुए हैं? क्या विचार आपके आते हैं और आपको डराते हैं बार बार? लेकिन मैंने क्या कहा कि परमेश्वर ने आपको डरने के लिए, हारने के लिए बनाया ही नहीं है। आप ऐसे बोला करो कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं यार, मैं जीतने के लिए बना हूं। किसके लिए बनाऊ मैं? नहीं मैं अपनी बेगम के लिए बनाऊ। उसको खाना खिलाना है, चाय पिलाना है, शॉपिंग ले जाना है, शाम को बच्चों को खिलाना है, शाम को वहां लेकर जाना है, शाम को वहां ले जाना है, शाम को गोलगप्पे भी खिलाने हैं। पत्नी बेगम नाराज हो जाएगी। अरे बेगम नाराज हो जाएगी, भाड़ में जाए बेगम। लेकिन क्या लिखा? कह रहे कि जीतते वो हैं, कह रहे कि जो पीछे मुड़कर नहीं देखते। हालेलुया हालेलुया।
समझते कि नहीं? परमेश्वर ने लूत को कहा, करा अपनी पत्नी को बोल दे पीछे मुड़कर नहीं देखना, और उसने पीछे मुड़कर देखा, नमक का खंबा बन गई। जो बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, करा और पीछे मुड़कर देखते हैं कि नहीं यार शायद मैं तो वहीं ठीक था, मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया। आज एक ऐसी गहरी बात बता रहा हूं आपको कि अपनी लाइफ में जो आपका प्लान नहीं था, आपके पास दर्शन नहीं था, आपके पास भविष्यवाणी नहीं थी, आपकी मदद करने वाला कोई, उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं, आपको ले जाने वाला कोई नहीं, आपको बताने वाला कोई नहीं, लेकिन आप एक ऐसे किनारे पर आकर खड़े हो गए हैं। आप खड़े हो गए उस शहर में, आपने कोई काम कर लिया है, कहीं भी खड़े हो गए हैं, अभी ताड़ी बजाने की जरूरत नहीं है, करा खड़े हो गए वहां पर, लेकिन आपको पता ही नहीं है मैंने क्या करना है। मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं पता, आपको कोई लेकर आया है, क्योंकि आप प्रभु में है, आपने उद्धार पाया है, कोई को लेकर आया है इस स्थान पर। ये परमेश्वर का चुना हुआ स्थान है, जहां आपने फैक्ट्री लगाई है, जहां आप रहते हैं, जहां आपका घर है, जहां आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, परमेश्वर आपको लेकर गया है। कोई माइकाला नहीं लेकर गया, परमेश्वर आप अपने प्लान से नहीं गए, परमेश्वर का एक प्लान है, और आज रात कराए वो प्लान आपकी जिंदगी में सक्सेसफुल होने वाला है। आपको चिंता नहीं करना है, आप चुने हुए लोग हैं, चुने हुए लोग कहीं भी खड़े हो जाएंगे, उनको दर्शन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में है कि नहीं? उनको प्रोफेटिक वर्ड्स की जरूरत नहीं है कि एक व्यक्ति, दो आते थे हरियाणा में मेरे चर्च में, और वो एक बंदा, पापा पहले मेरे लिए भविष्यवाणी करो, मुझे बताओ मैंने कहां सक्सेसफुल होना है, बताओ, ऐसे लड़कियों की तरह करता था। मैंने कहा तेरी एक्टिंग तो ऐसी है कि भाई तू कहीं सक्सेसफुल ना हो, तू तो रोटियां बनाई किसी के घर में। मैंने कहा, लेकिन दूसरा कहता पापा मुझे विश्वास है होगा मेरे साथ, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर मूसा के साथ कर आग के खंबे में होकर, बादलों में होकर उनके साथ चलता था। हालेलुया, भविष्यवाणी करता था, बात करता था, लेकिन कर उसके बाद परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। जब कह रहे थे उसके बाद सब लोग विश्वास के साथ चले। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब कह रहे हैं कि आप मसीह में हो तो आपको किसके साथ चलना है? नहीं पापा यीशु आप आएंगे, एक आदमी ऊपर चढ़ गया लिफ्ट में और जाके बोलने लगा, कर पापा जब आप, आज मैं इतनी ऊपर चढ़ गया हूं, मैं किस फास्ट करूंगा, 40 फास्ट करूंगा, जब आप आएंगे तब मैं नीचे जाऊंगा। और उसी समय 40 दिन हो गए यीशु मसीह नहीं आया, और बोलने लगा प्रभु प्लीज बात कर मेरे से, बात कर मेरे से। परमेश्वर को दया आ गई उसके ऊपर, उसे बात किया, कहता पापा आप मेरे को लेके जाओ नीचे। परमेश्वर ने कहा आया कैसे था? कहता लिफ्ट से। कहता लिफ्ट से ही वापिस जा। आप समझ रहे हैं, आपको समझना है। कहता कि आज परमेश्वर अपने बच्चों के साथ विश्वास से चलने वाला है। अगर कोई काम नहीं खुल रहा है, आज रात विश्वास करोगे, मैं कह रहा हूं बड़े बड़े मिराकल होंगे आपकी लाइफ में। आमीन। क्या आप आमीन बोलने के लिए, हाथ उठाने के लिए तैयार है चर्च? मैं कह रहा हूं अगर आप तैयार हैं, अगली आशीष आपकी झोली में आने के लिए तैयार है, आपकी गुल्लक में वो कॉइन आने के लिए तैयार है। वो तैयार जब तक नहीं होता, जब तक आप फैसला नहीं लेते। आज आपको वचन से बताऊंगा, हालेलुया, आज आपको फैसला लेना है, आप हर समस्या से बाहर आने वाले हैं। जब हम डर, क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो याद रखना एंजल काम नहीं कर पाते। बोलो हालेलुया। कितनों को पता ये बात, जब हम डर जाते हैं तो एंजल काम नहीं करते। और एक बात याद रखना, जितने उद्धार पाए हुए लोग हैं उनके साथ एंजल रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल से दूसरा राजा 6:17 हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा एलीशा के बारे में, कि एलीशा एक जगह पर जा रहा था तो उसी समय अपने चेले के साथ था, और बहुत सारे राजा की सेना ने उसको, दुश्मनों ने घेर लिया, चारों तरफ से उसको घेर लिया। और उसी समय एलीशा का चेला आकर बोलने लगता है, बोलता है करा पापा पापा हम तो घिर गए हैं, हमें दुश्मन मारने वाले हैं, हमें घेर लिया गया है, अरे ये क्या हो गया, हम घिर गए हैं, बार बार कह रहा है। और देखो क्या लिखा, क्या जवाब दे रहा एलीशा, हाँ पढ़ेंगे। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे, हाँ, कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया।
क्या हुआ? उस समय चेला घबराया हुआ था और चेला क्या कर रहा है? कह रहा उसी समय कह रहा एलीशा को उसी समय प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है, और लेकिन उसी समय एलीशा ने ये प्रार्थना करके परमेश्वर को कहा, परमेश्वर कह रहा मेरे चेले की आंखें खोल दे आज, कह रहा इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे आज, कह रहा देख। चेले को तीन बार समझाया उसने, उसने कहा कह रहा बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे चारों तरफ स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत खड़े हैं। लेकिन वो करा भाग ले करा, अरे करा भाग ले पादरी भाग ले, कहता है करा हम गिर गए हैं, करा हम दुश्मन मारने पर हैं, करा भाग ले प्रॉफिट, करा एलीशा कह रहा है। लेकिन एलीशा को बोल रहा है गेजी और उसी समय उसका चेला, लेकिन उसी समय क्या बोल रहा है एलीशा, एलीशा कह रहा है बेटे हमारे चारों ओर स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है आज आप किसी परेशानी से घिरे हुए हो सकता है आप किसी कर्जे से घिरे हो सकता है किसी समस्या से घिरे हो, लेकिन बाहर कैसे आएंगे? कह रहा जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक बाहर नहीं आएंगे। हालेलुया। इसका मतलब आपकी स्पिरिचुअल आइज खोलने की जरूरत है। कह रहा एक व्यक्ति जब समस्या में गिरता है तो फटाफट किसको फोन लगाता है? सबसे पहले अपने रिश्तेदार को फोन लगाता है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है यार, तेरे को 10,000 पैसे ने छेती दे दे छेती। कहता की हो गया? कहता डॉक्टर ने ऑपरेशन दस्ता यार छेती दे दे, मतलब जल्दी से 10,000 दे दे, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है। इसका मतलब क्या है? कहता है उसका मतलब उसकी आंखें आज भी नहीं खुली है। हालेलुया। कह रहे और उनको उनके बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं। बोलो हालेलुया। कह रहा कि आज बहुत सारे लोग जब समस्या से घिर जाते हैं, अचानक कोई समस्या आ जाती है, कोई कोर्ट केस या कोई बीमारी आ जाती है, उसी समय लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस समय में बहुत सारे लोग जो हैं फैसला नहीं ले पाते हमें क्या करना है, लेकिन एलीशा ने उस समय में फैसला लिया, भरोसा रखा और प्रार्थना किया, और उसने कहा कह रहा देख हमारे चारों ओर स्वर्गदूत है, क्योंकि एलीशा जानता था उसके पास आदेश है। सारे बोलो क्या है उसके पास? आदेश। स्वर्ग दूत उसके साथ थे। एलीशा जानता था परमेश्वर ने जो सेना एलीशा को दिए उसको आदेश दे सकता है वो। हालेलुया। परमेश्वर ने जो सेना, ध्यान से सुनना, सेना जो एलीशा को दी थी तो एलीशा उसको आदेश दे सकता था, इसलिए उसको मालूम था कि ये सेना मेरे लिए दी गई है, मैं इसको आदेश दे सकता हूं। हालेलुया। उसने कहा करा तुझे नहीं पता ये सेना हमारे लिए है, और उसी समय चेला फिर भी डर रहा था। उसने कहा परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे, और जब आंखें खोली उसने देखा तेरे की करा बैठे करा चारों तरफ स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत खड़े हैं। लुया। एलीशा करा करा दिख गया, और उसी समय उसके जो चेला था उसी समय हौसले से भर गया, कहने लगा अब कोई दुख नहीं है, कहता कि अब तो हम सुरक्षित है, हमारे चारों स्वर्गदूत खड़े हैं। बोला हालेलुया। और इसी समय एलीशा ने क्या कहा, हम इसी में पढ़ते, इसी की अगली लाइन में 18 में क्या लिखा, जब आरामी उसके पास आए जब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की, हाँ, कि इस दल को अंधा कर डाल, हाँ, एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। सुन रहे हो आप क्या लिखा, लास्ट लाइन पढ़ेंगे, लिखा परमेश्वर के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। एलीशा के वचन के अनुसार। किसके वचन के अनुसार? एलीशा के। इसका मतलब आपके मुंह के शब्दों के अंदर पावर है, आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। जब आप अपने मुंह के शब्द परमेश्वर को इसके सामने बोलते हैं, लोगों के सामने बोलते हैं, तो एंजल आपकी फेवर में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। एलीशा ने क्या कहा, मुंह से कहा, कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है पहले प्रार्थना किया, फिर उसने वचन से कह रहा मुंह से शब्द बोले कि इनकी आंखें ब्लाइंड हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। और वो अंधे हो गए और वो निकल गए वहां से। मैं क्या कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है, कह रहा आज रात कह रहा आप परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। सुनो आपको समझ में, एक साधारण तरीके से समझा रहा हूं। एक बार यीशु मसीह किसी आदमी के साथ बात कर रहा था, उसको कुछ लिखवा रहा था कागज पर, और जब वो लिखवा रहा था तो शैतान वहां पर आ गया, और शैतान वहां पर आकर बीच में करा डिंगा 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 डिस्को करने लगा, कभी डांस करने लगा, जोर जोर के कार्टून करने लगा, डिस्टर्ब करने लगा। और उसी समय वो आदमी देख रहा था, कहता यार बदतमीज लिखने नहीं दे रहा, यीशु क्या बोल रहा है, मुझे लिखवा रहा है कुछ, लिखवा रहा है कुछ, लिखवा रहा है, बोलने नहीं दे रहा कुछ, लिखवा रहा है कुछ, लिखवा रहा है, और वो लिखना चाहता है, लिखवा रहा है लिख नहीं पा रहा, और वो यीशु की तरफ देख रहा है,
कि यीशु मसीह अब इसको डांटेगा, अब इसको डांटेगा, अब इसको डांटेगा। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसको नहीं डांटा तो उसी समय बर्दाश्त की हद होगी, एक लाइन वो भूल गया क्या लिखनी थी। जब उसको गुस्सा आया, लिखना था उसने, तो उसने उसी समय उसको कहा, शैतान मैं तुझे डांटता हूं, भाग जा। और उसी समय शैतान गिर गया, गिरा फिर उठा, उसने कहा चल भाग, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, उसने कहा चल अब भाग जा यहां से यीशु के नाम में। और उसी समय वो भाग गया। और ये सुनो, ड्यूटी किसकी थी? यीशु की। आदमी कह रहा कमाल है, यीशु मसीह ने डांटा नहीं और मैंने डांटा, भाग गया। तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा तूने ठीक किया। कहता अगर तू इसे ना डांटता तो मैं भी नहीं कर सकता था। कहता नहीं नहीं प्रभु ऐसा मत कहिए, मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूं, मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूं। कहता नहीं, अगर तू इसे ना डांटता, तू अपने मुंह से ना कहता तो मैं भी नहीं कर सकता था। कहता क्यों? कहता क्योंकि जब मैं मरने के बाद जिलाया गया, उसके बाद स्वर्ग का अधिकार और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। सुना चुप, मुझे दिया गया। और उसके बाद कहता है कि जब मैं उठा लिया गया, उठाने से पहले कह रहा सारा अधिकार मैं कलीसिया के लोगों को देकर चला गया। हे, समझ में आया कि नहीं? किसके पास आई है पावर? हाँ, इसका मतलब एंजल आपके पास सुरक्षा के लिए होते हैं। एंजल आप जब दुख में होते हैं आपके पास खड़े होते हैं, लेकिन आप दुखी होते हैं, पापा पापा, एंजल कह रहे थे अरे आदेश दे, पापा पापा। आप आत्मिक लोग हैं, आप पवित्रता में चलने वाले लोग हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके पास पास सराउंडिंग किसकी है? एंजल की है। आपके आस पास कह रहा किसने घेर रखा है? एंजल ने घेर रखा है। और इसी समय कह रहा यहाँ पर अलीशा जानता था इस बात को कि मेरे पास एंजल है। और उसने क्या कहा? वो कहता कि मुझे पता है ये मेरी सहायता के लिए दिए गए हैं, मुझे आदेश देना है। लेकिन उस समय कह रहे कि वो समझ गया। और उसके बाद यीशु धरती पर आया, उसके बाद परमेश्वर ने उसको, जब उसने जय पा लिया पाप पर, संसार पर जय पा लिया, परमेश्वर ने कहा जा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मैं तुझे देता हूँ। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, करा जो आज से पाप पर जय पाएगा, जाओ, जो मुझे मनुष्य देख रहे हैं, जो चर्च में आ रहे हैं, जो उद्धार पा रहे हैं, जो उद्धार पाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे जाओ आज से वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम कह रहे कि तुम्हारे पास एंजल आ गए हैं, इसका मतलब कह रहे कि उसको पता लग गया लीछा को कि एंजल हमारी सेवा टहल के लिए दिए गए हैं। किसके लिए दिए गए हैं? सेवा टहल क्या होती है मैं बताता हूं। इधर जल्दी सरदार जोड़ क्या, जोड़ क्या, जोड़ क्या, हाँ इधर अमित इधर। सेवा टहल क्या होती है? मेरे चारों तरफ घूमते रहो, शाबाश, एक चक्कर लगाओ, एक चक्कर लगाओ मेरी तरफ, चलो चक्कर लगाओ। ये क्या है? ये मेरी सेवा के लिए टहल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेकिन मुझे दिख नहीं रही, ये एंजल हैं। छोड़े ना हो जाना घर जगह। सुनो, ये टहल रहे हैं, ये सेवा टहल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं कहीं भी बुक पढ़ रहा हूं, ये मेरा ध्यान रख रहे हैं, कोई आ ना जाए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? घूमते रहो, इसलिए घुमा रहा हूं मैं, ऐसे पीछे नहीं घुमा रहा हूं, पीछे में तो सात चक्कर में शादी हो जाती है। सुनो लेकिन देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अलग अलग घुमा रहा हूं इनको मैं। देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तो मेरी सेवा कर रहे हैं, ये टहल रहे हैं, मुझे सुरक्षा दे रहे हैं, जाऊं अपने स्थान पर। और इसी समय क्या हुआ, आज मसीह लोगों को मालूम नहीं है, जिन्होंने उद्धार पा लिया है उनके चारों ओर ऐसे स्वर्गदूत सेवा टहल कर रहे हैं आज। क्या आप मेरे खुदा के लिए जोर से हालेलुया बोल सकते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, उड़ी बाबा ये तो हमें पता ही नहीं था, कितने साल से चर्च आ रहे हैं। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? हमारे साथ स्वर्गदूत होते हैं। अलीशा को पता नहीं था, उसने कहीं की आंखें खुल जाएं। अलीशा को पता था, चेले को पता नहीं था, उसने कहा नहीं कि आंखें खुल जाएं। और मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है, आपको नहीं पता, परमेश्वर आज रात आपकी आंखें खोल दे यीशु मसीह के नाम में। आप बताना मुझे आकर, अगर ऐसे प्रार्थना करके विश्वास से चलोगे, एंजल साथ में है, और जाकर आदेश देना, बोलना ऐसे करके, बोलना आदेश दे रहा हूं जाओ एंजल। मैं पहले जब जाता हूं ना, मैं किसी के साथ खाना खाने के लिए गया, मतलब मैं दोस्तों के साथ, कहां पर बताऊंगा नहीं क्योंकि वो लाइव सुन रहे हैं।
कहीं गया मैं ऐसी अच्छी जगह खाना खाने के लिए गया, तो उसी समय वहां पर रेस्टोरेंट भरा हुआ था पूरा, करे जगह नहीं है भाई साहब। मैंने कहा जाओ एंजल, मैंने कहा तुम रुको मैं भेजता हूँ किसी को, मैंने कहा जाओ खाली कराओ। उधर पता नहीं क्या दो औरतों को उल्टियां लगी लेफ्ट राइट, कह रहे खाली हो गया। मैंने कहा अच्छा, कह रहे नहीं तो कह रहे थे दो घंटे से पहले खाली नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा इतना महंगा रेस्टोरेंट हम नहीं बैठे इसमें। मैंने कहा चलो अंदर, कहते जी बस हमारे लिए सीट नहीं है। मैंने कहा ठहरो अभी कराते हैं खाली। मैंने कहा जाओ एंजल खाली कराओ। दो आदमी करे फोन आ गया, डेथ हो गया किसी का, भागो ये क्या हुआ। बाद में वापिस आ रहा, कहता है सीट मेरी थी, उन्होंने कहा हमने बुक कर दी है। करा क्या हुआ, वो कहता है रॉन्ग नंबर लग गया था बेब को, किसी और की होगी है। थोड़ी देर के लिए उठाया भाग यहां से है। आप समझते हो कि नहीं? अरे हाँ के ना, आप प्रोफेटिक स्कूल में नहीं प्रोफेटिक कॉलेज के अंदर आए हो आज। अब तुम दूध पिलाने वाले बच्चे नहीं रहे, पौलुस कहता है अब तुम बड़े हो गए हो। पापा पापा सिर पे हाथ रखना, पापा पापा ले जाओ पापा का कोट पकड़ कर, करना पापा प्रार्थना, हम नहीं आएंगे चर्च में पापा, हमारी तो सुन दादा है नहीं, पास्टर मिलता था नहीं, दूसरों के बहकाई में आ जाते हैं। अरे झल्लो कहीं के, तुम्हें प्रार्थना कराने की जरूरत है? तुम तो प्रार्थना करोगे लोगों के काम हो जाएंगे। आमीन। पापा ही का मेरे प्रार्थना की खबर में दर्द हो गया। ये इसलिए होता है क्योंकि स्पिरिचुअल फादर होना चाहिए जिंदगी में, कहीं ऐसा ना हो ये मैंने क्या रखा है प्रभु को, प्रभु अगर मेरे चेले कहीं सेवा करने जा रहे बाद में मुझे छोड़ दें फिर क्या होगा। परमेश्वर ने कहा खुल के प्रचार कर, चिंता ना कर, कमर में टांग में बाह में कहीं ना कहीं अड़ा के रखूंगा। हालेलुया। स्पिरिचुअल फादर की जरूरत है आपकी लाइफ में, समझ रहे कि नहीं? अरे हाँ के ना। हमारे पास सारी तकनीक है चर्च, विश्वास करना है। ये एंजल है यहाँ पर आपके साथ आज जाने वाले हैं आपके काम खोलने के लिए। लेकिन आप देखते हैं सिर्फ इसी में लगे रहते हैं, हेलो उसकी प्रार्थना ठीक हो जा। अबे एंजल तुम्हें कमाने के लिए भी दिए गए हैं, जाओ आज रात के बाद बोलो बोलो एंजल वो दुकान जो बंद पड़ी है खुल जाए और मेरे नाम हो जाए, जाओ करो इस साल में, और क्लेम करना स्टार्ट करो, घोषणा करना स्टार्ट करो, परमेश्वर करेगा आज रात। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा, कहता है कह रहा है कि तू अगर ना बोलता तो कहता है मैं इसको निकाल नहीं सकता था। मैं आपको पढ़ाता हूं, हम फटाफट इब्रानियों की किताब 1:14 पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ो। क्या वे सब सेवा टहल कराने वाली आत्माएं नहीं? धीरे मत बोल, उड़ीसा से तू आ गई है, जोर से बोल। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? हाँ, सुन रहा है कि नहीं? क्या लिखा है इब्रानियों 1:14 में लिखा, क्या ये वो आत्माएं नहीं है करे के जो उद्धार पाने वालों के लिए, क्या वो स्वर्ग दूत दिखा जरा ऑनलाइन, और लिखा इब्रानियों की किताब में देखो क्या लिखा, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? सेवा टहल करने वाली आत्मा स्वर्ग दूत जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या नहीं? अरे किसकी सेवा में भेजी जा रही है वो आत्माएं, वो एंजल किसके लिए भेजे गए हैं? कह रहा जिन्होंने उद्धार पा लिया है, जिन्होंने यीशु की पहचान कर लिया है, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, आज से करा आज तक आपने यीशु की सेवा टहल किया, आज रात एंजल आपकी सेवा करने के लिए निकलेंगे चर्च। ये पुराना नियम नहीं, नया नियम बोल रहा है, करा आपके लिए भेजा जा रहा है स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करने के लिए। आपको नहीं पता आज से जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग पाप में नहीं है उनके साथ सेवा टहल कर रहे हैं, याद रखना मेरी बात। करा इसका मतलब करा आज रात एक एंजल निकले हुए हैं और आज रात आपके कामों को बनाने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोलकर समझ गए आज, आमीन, वो चिल्ला कर आज आशीष को ले लो यीशु मसीह के नाम में। मत्ती 18:18 में देखो क्या लिखा, फिर यीशु मसीह इसी चीज से आपको समझा रहा है। करा बहुत सारे लोगों को करा के जो तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोल दोगे स्वर्ग में खुलेगा। कितने लोगों का काम बंधा हुआ है, कितने लोगों के पड़ोसियों ने उसके ऊपर जादू टोना किया हुआ है, कितने लोगों को लगता है कि शायद मेरे बिजनेस को किसी ने बांध दिया है। मैं सही कह रहा हूं, क्रिश्चियन का भी बिजनेस बांध देता है शैतान। बहुत सारे प्रार्थना करने वाले लोग भी बंधे रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अगर आज आपका बिजनेस बंधा हुआ है, आपने इतने साल से
पैसा कमाया वहीं के वहीं है। आपने कितनी फार्म भरे, एक भी जॉब नहीं मिली आपको, और ये क्या कारण है? मैं कह रहा हूं अगर बाइबल में लिखा वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो जाते हैं लोग। ये वचन के साथ साथ परमेश्वर बुद्धि का आत्मा प्रॉफिट को देता है और उसे समझाता है। कई बार मुझे वचन के द्वारा परमेश्वर, और कई बार अपने दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, और कई बार लाइट में दर्शन देकर प्रभु मुझे समझाता है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? कह रहा यहाँ क्लियर बोला उसने, कह रहा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बूंदेगा। कह रहा क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अब स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, कह रहा स्वर्ग से कह रहा कि मैंने कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप वो कलीसिया हैं, कौन? जो यीशु की ओर से चुनी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। आप वो कलीसिया हैं, इसका मतलब कह रहा आपके पास अधिकार आ गया है, जो तुम धरती पर कहोगे वो हो जाएगा। आमीन। कह रहा है कि जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा आज। आमीन। तैयार है कि नहीं? यस। लेकिन कुछ लोग वचन से इस्तेमाल नहीं करते। एक बार एक लड़का मेरे पास आया और उसी से मैं रोने लगा। वो कह रहा नवी नवी शादी हुई, अभी एक साल हुआ, पर पत्नी मेरी माँ के साथ लड़ती है, मेरे परिवार के साथ लड़ती है, और माँ कहती है छोड़ दे इसको, पर मेरा दिल नहीं करता इसको छोड़ने का। मैंने कहा क्यों, काहे? कह रहा एक बच्चा भी हो गया है, अब क्यों छोड़ दूं? लेकिन बेचारा परेशान है, फंस गया है। कह रहा है, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम, क्या है? कह रहा बड़ी खर्चालू है, बड़ी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं, प्यार से समझा ले। कह रहा मानती नहीं है। तो एक दिन उसने डंडा उठाकर पिटाई कर दिया उसकी। औरतों की तो हो ही जानी चाहिए दो दो। और थोड़ी जब हो गई उसकी पिटाई, और उसके बाद उसकी पत्नी और वो दोनों मतलब कि अलग अलग हो गए एक महीने के लिए। लेकिन फिर बेचारे ने फोन करके, आदमी पता है बेचारे फिर हार जल्दी मान लेते हैं, जंग भी शुरू करते हैं और हार भी खुद ही मान लेते हैं, और फोन करके वापस बुला लिया। एक दिन हरियाणा की बात है, ये 2014 की, और जब मैं हरियाणा में सेवा करता था, मैं वहां बैठा उनके घर पे। उस समय मेरे पास 10-15 लोग आते थे, मैंने नया नया चर्च स्टार्ट किया। और उसी समय वो कह रहा, कहता है कि लो जी आगी पड़ोसन, आगी पड़ोसन। मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? कहता पड़ोसन आगी, आप इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। मैंने कहा क्या हो गया? कहता इसी, यही तो है जड़, इसकी सहेली, इसी ने बिगाड़ रखा इसको। कहता ये आएगी और इसके साथ आएगी, मुझे भी कहेगी निकाल 1000 का नोट। उस समय 1000 का नोट चलता था, निकाल 1000 का नोट, निकाल निकाल। और कहता मुझे हरियाणा का था, कहता मुझे छो आ रहा। मैं कहा भाई छो छा मतलब गुस्सा, अंदर रख। कहता नहीं, कहता आज मैं इसको पिटूंगा। मैंने कहा लड़ाई नहीं करना, जो मैं कहूं तुझे आज वो करना, जा। कहता ठीक है। आई उसकी पत्नी और उसकी सहेली आई, लाओ पैसे दे दो, मेरी सहेली के साथ बाजार जाना है। वो कह रहा मैं इतने कमाता नहीं हूं। मैंने कहा चुप कर, अपनी पत्नी को 1000 का नोट दे, सबसे बड़ा नोट दे। उसने कहा भाई साहब क्या कह रहे हो? मैं कहा चुप, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे पास तेरे पड़ोसन से ज्यादा पैसा है, दे। मैंने कहा इसको। उसने कहा हैं, आया तो डस्टर में है, कोई लड़का सा ठीक है, कोई लगता है शायद हेल्प मिली है इसको। उसने उसको 1000 का नोट दिया, कह रहा दे। मैंने कहा ले और बोल, आदेश कर दे एंजल को, जा मेरे हजार। उसने आदेश किया, कहता जा एंजल मेरे 1000 के नोट को संभाल के वापिस ले आना। और वो लड़की बेचारी बाजार में गई, दुकान पे गई, ये साड़ी वो साड़ी। ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने उसको दे दिया। ये साड़ी वो साड़ी, और दुकान वाले से लड़ाई होगी। दुकान वाले कह रही क्या दिखा रहा। वो कह रहा तुझे को समझ में नहीं आ रहा, चल निकल जा हमारी दुकान से। कह रहे आया बड़ा, चल हट। और दुकान भी है, दूसरे भी गई वहां लड़ाई, तीसरे भी गई वहां लड़ाई, चौथी भी गई लड़ाई। जूतियां पसंद करने की, कह रही पति कहेगा कुछ नहीं लिया, बेइज्जती हो जाएगी, जूती तो ले लो। चप्पल लेने गई, उसने कहा चप्पल इतने की है, दूसरा इतने की है। लड़ाई होगी आपस में, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आई। कहती कोई ढंग की चप्पल नहीं दिखा रहा। कहती आज पता नहीं क्या हो गया है। दूसरी सहेली पता है कहती आज हो नहीं गया, तेरे पति ने प्रार्थना से करके भेजा, जा इसका 4 का नोट वापस ले आ। उसको समझ में आ गया, और वो वापिस गया, और वापिस घर जाकर जब 1000 का नोट, कहती बेइज्जती हो जाएगी, 10 रुपए का करप्ट खरीद ले। कहती 10, कहती ये 1000 का नोट दिया उसको, 10 रुपए का कपड़ खरीदे। वो कहता है 1000 का ना दे, टूटे नहीं है। उसने कहा 10 का अपने जेब से निकाला, कहती ले और दे दिया है। और आई और गुस्से में ऐसे पकड़ अपना 1000 का नोट,
और भाई साहब आप मानने नहीं, शाम को मैं वहीं बैठा हूँ। मैंने कहा आ जाने दे, आज मैं जाता ही नहीं कहीं चर्च से बाहर। मैंने कहा मैं इनके घर से मैं कहीं नहीं जाऊंगा आज। मैं कहा तेरे साथ हूँ, मैं चिंता ना कर। वो कह रहा था पापा आपने बोला तो है लेकिन मेरा तो हजार का गया, हजार का गया। मैंने कहा विश्वास रख, वापिस आ गया, वापिस आ गया है। और मुझे वो औरत ऐसे घूर रही उसकी पत्नी। मैंने कहा चाय तो पिला दो भाभी जी। अंदर अंदर खरी कब निकलेगा घर से। अगले दिन वो सहेली वो तैयार होगी, अगले दिन फिर आएगी 11 बजे। आदमी का फोन आ रहा है, कहता देखो जी फिर तैयार हो रही है, फिर मांगेगी। मैंने कहा जा, मैंने एंजल को बोल दिया जा, उसका दिमाग बंद हो जाए। पड़ोसन आई और सामने से निकल गई। उसने कहा ए, मेरे को लेके जा रही। करी ना ना, पहले अपने पति की जबान बंद कर, क्या बोलता रहता है। भाई साहब समझ में आए कि नहीं? उस औरत को भी समझ में आ गया कि मसीह लोगों की जुबान में सामर्थ होता है, यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब देखो हाय मेरा की होगा, हाय मेरा की होगा, जब तेरा कुछ नहीं होगा, खड्डे में गिरेगा तू। की होगा, की होगा, आपका सब कुछ होगा। आज विश्वास करने वालों के पास, उद्धार पाए वालों के पास, सेवा करने वाले घूम रहे हैं। आज पादरी बजिंदर के साथ चल रहे हो शोभा यात्रा में सेवा करने के लिए, कल एंजल चलेंगे तुम्हारे साथ सेवा करने के लिए। समझ में आया कि नहीं? करा विश्वास करना है। अगर वचन को आप सही ढंग से पढ़े तो आपको दूर खड़े रहकर आपको प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है, बैठेंगे यहीं चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यहां पर सेवा टहल करने वाले स्वर्ग दूत घूम रहे हैं यीशु के नाम में। नीति वचन 6:3 में क्या लिखा? कितने लोग ये पावर चाहते हैं आज? कितने लोग पावर चाहते हैं ये वाली आज? चाहते हैं? मुंह खोल लो आज। हाँ, घर जाके गोलगप्पे खा के आना। अपने मुंह के शब्दों को सही करो आज। अगर ये पावर चाहते हैं तो आपके मुंह के शब्द सही होने चाहिए आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या सही होने चाहिए? कुलखड़ी कहीं की, निकम्मी कहीं की, सोती रहती है सारा दिन। औरतें अपने बच्चों को बोलती हैं, लड़कियों को बोलती हैं, माएं अपनी लड़कियों को बोलती हैं, लेकिन यह नीति वचन 6:3 में लिखा क्या लिखा? तू अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। किसके द्वारा? मुंह के वचनों से फंसा। तू अपने मुंह के वचनों से, अपने मुंह के शब्दों से फंसा। एक शराबी अपने मुंह के कारण फंसेगा। सिगरेट पीने वाला मुंह के कारण फंसेगा। किसके कारण फंसेगा? करा एक गलत बोलने वाला अपने मुंह के कारण फंसेगा। याद रखना, एक विश्वासी भी फंसता है जाल में शैतान के। कब? करा जब वो मुंह से गलत बोलता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? आपको समझना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। इसलिए नीति वचन में लिखा करा भोले के संग जो चलता है वो दुख उठाता है। समझ रहे कि नहीं? भोला आगे चल के दुख उठाता है और चतुर निकल जाता है। हालेलुया। तो ये आपको समझना है कि आज मैं अपनी जिंदगी में मैं कामयाब क्यों नहीं था अब तक? क्योंकि मेरे मुंह का अंगीकार सही नहीं था। आपके मुंह का अंगीकार सही होगा, आज रात आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उत्पत्ति 31:32 में, जेनेसिस चैप्टर 31:32 में देखो, वहां पर लिखा कि यहाँ पर एक जगह पर याकूब जो है उस समय वहां से अपनी दोनों पत्नियों को और बच्चों को लेकर भाग रहा था, और रास्ते में क्या हुआ? उसकी औरत ने क्या किया कि वो अपने पिता के जो उसकी देवताओं की मूर्तियां थी उनको चुरा कर ले आई। और उस समय में आपको बताइए कोई चेक कर ही नहीं सकता था। आया लवान तो उसी समय चेक करने के लिए आया तो वो उसके ऊपर बैठ गई। पहले के जमाने में घाघरे डालते थे, पता नहीं लगता था, और उसी समय बैठ गई और सारा घर छान लिया, कुछ नहीं मिला। और उसी समय लबान ने गुस्से में कहा याकूब को, बोलता है क्या तू मेरी चीजों को चुरा लाया है चोर कहीं का? उसने कहा सुन, करा जिसने तेरी चीजें चुराई हो करा के वो मर जाए। उसने अपने मुंह से बोला बचे ना। देखो क्या लिखा, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या लिखा? जिसके पास करे के पाए, पास तू अपने देवताओं को पाए, समझ रहे हैं जो समझने वाले हैं, वो जीवित ना बचेगा। हालेलुया। हालेलुया। और याकूब नहीं जानता था कि उसके मुंह के शब्द उसी की पत्नी पर भारी पड़ेंगे, उसी की पत्नी ने चुरा लाई है।
और जब उसने देखा तो हम देखते इसी में कि क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद वो बच्चा जन्ने लगी है और इसी के 35 के स्थान 18 में देखते हैं कि ये बच्चा जनते जनते उसी समय मर गई है, मर गई औरत बच्चा जनने के बाद। लेकिन कौन था इसके, इसका पति इसके मौत का कारण बना, अपनी पत्नी का मौत का कारण कौन बना? याकूब नहीं, याकूब का मुंह बना। हालेलुया, उसने गुस्से में बोल दिया। मैं बता रहा हूं ऐसे ही, एक बार एक आदमी था शराबी था और वो अपने कपड़े निकाल कर, कर अपनी पैंट निकाल कर खुंटी पर टांग देता था। और औरतों की आदत होती है, आपको पता है, बेवड़ा है, शराबी है, सारे पैसे खर्च करेगा, रात को उसका सो का पत्ता साफ कर लेती है। कितनी औरतें पैंट में से अपने पति के पर्स में से पैसे चोरी करती हैं, हाथ उठा के बताओ। दस बारह है यहाँ पर, सारे बोले हालेलुया। और उसी समय उसने क्या कहा, बोलते करे कि ये कोई बात नहीं। और शराबी ने देखा, यार एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, मेरे पैसे चोरी होते हैं। और एक दिन उसने गुस्से में कहा, करा जिसने मेरे पैसे चुराए उसकी टांग टूट जा। अगले दिन उसकी पत्नी रिक्शे पे टांग रखे हुए आ रही और वो कह रहा, लला क्या हो गया तेरे को? और उसकी पत्नी कह रही, तेरा मुंह ही था, शराब दे रहा था, तेरे मुंह के कारण हुआ, पकड़ी गई। इसका मतलब क्या लिखा, मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। उसकी टांग पकड़ी गई, चोट लगी, लेकिन कब? आजकल मसीह लोग भी क्या करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन पिस्टल इतना अंदर गर्म रहता है उनका, बुलेट की तरह अंदर से गर्म रहता है। हट जा, उपवास करिया, अभी प्रार्थना की थी, हुणे मैं चर्च तो आया, मैंने रोटी दे छेती कर, नहीं तो मैं तेन खा जाऊंगा, मार देगा चपेड़। मतलब पिस्टन गर्म रहता है उनका अंदर से, पता नहीं मुंह से क्या बोल दें, पता नहीं पादरी हैं चाहे वो विश्वासी हैं, याद रखना सबका पिस्टन अंदर से गर्म रहता है। हालेलुया, अंदर से ऐसा माइंड गर्म रहता है उनका, कुछ भी मुंह से निकाल देते हैं, पता लगता नहीं है क्या बोल रहे हैं आज। लेकिन अगर आप गलत बोल रहे हैं, करे वो मुंह के कारण। लेकिन जब वो औरत ने देखो उसमें क्या लिखा, इसी के 35 के 17 18 में, कि उसने मरते वक्त उसकी दाइयां समझा रही थी कि चिंता ना कर, उसको समझा रही थी गलत ना मुंह, मुंह से तुझे आज रात करे के बेटा ही होगा। और उसके बाद जैसे ही उसको बेटा हुआ तो उसने उसका नाम क्या रखा, करे के तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बिनोनी रखा। हालेलुया, क्या रखा? बिनोनी। और बिनोनी का मतलब है दुख का बेटा। उसने उस टाइम भी मुंह से गलत नाम रख दिया उसका। और यहां पर याकूब समझ गया है कि पहले मेरा मुंह मेरी पत्नी के मौत का कारण बना, उसके बाद उसने फटाफट आते ही उसका नाम बिनोनी से उसी दिन 5 मिनट के अंदर बिन्यामीन रख दिया। हालेलुया, उसका मतलब क्या है? बिन्यामीन का मतलब है कि दाई